ये ले ज्योति तेरी दिवाली। अरे सोन पापड़ी, वो भी दो दो डब्बे। अरे मामी जी, इसकी क्या जरूरत थी? दिवाली है, मिठाई तो बनती थी, तो ज्योति मैंने सोचा क्यों ना तेरे लिए ये सोन पापड़ी ले जाऊं, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। सोन पापड़ी, चलो ठीक है मामी जी। अच्छा ज्योति, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अब तो चक्कर लगाना। ठीक है मम्मी, गुड्डू तू भी आती रहा कर। ठीक है दीदी। हे भगवान, सोन पापड़ी। क्या हो गया मम्मी? ना अभी तक तुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है? अरे तुझे कितना मना किया कि अपने रिश्तेदारों को मत बुला, उनको मना कर दे कि दिवाली देने मत आए। अब तेरी ये मामी आई थी, ये भी ये DMB की सोन पापड़ी उठा के ले आई। अरे बेवकूफ, वो पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाई मैंने 100 रुपए की, उसके बाद पनीर के पकोड़े मंगवाए, फिर मैंने खाना बनाया, आधा किलो पनीर बनाया, उनको खाना खिलाया, और जाते हुए क्या देके गए? ये सोन पापड़ी। अरे मम्मी, इसमें मैं क्या करूं? मैं कौन सा उनके घर गई थी कि मुझे सोन पापड़ी देकर जाओ? और मैं भी क्या करूं, मेरा कोई रिश्तेदार आएगा ना, तब देखना तू कितनी बढ़िया काजू कतली, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयां लेके आएगा। ये सोन पापड़ी नहीं लेके आते मेरे रिश्तेदार। अब देख बाहर कौन आया है, तेरा ही ना कोई रिश्तेदार हो, जा देख चल के। हे भगवान, अच्छी दिवाली आई है, बहू के मायके वालों की तो लाइन लगड़ी पड़ी है, जो भी आता है सोन पापड़ी उठा के ले आता है, बुआ मामा चाचा ताया सब। अरे ये क्या, ये तो मेरे चाचा जी का लड़का है। अरे ये क्या, इनके हाथ में भी सोन पापड़ी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते ज्योति, क्या हाल है? बस भैया, मैं तो ठीक हूँ। ये ले सोन पापड़ी, दिवाली की मिठाई लेकर आया हूँ। सोन पापड़ी भैया? सोन पापड़ी, अरे एक के साथ एक डिब्बा फ्री मिल रहा है। यही तो पंगा है भैया, जो एक के साथ एक फ्री मिल रही है। आ जाओ भैया अंदर। अरे नहीं नहीं ज्योति, 50 डब्बे और पड़े हैं गाड़ी में सोन पापड़ी के, अभी पहले वो बांटूंगा फिर आऊंगा। मम्मी, मम्मी फिर से सोन पापड़ी। हे भगवान, अब ये कौन देके गया है डिब्बे? ये तो मेरे चाचा जी का लड़का देके गया है। अब कौन आ गया मम्मी? मेरे तो मम्मी सारे रिश्तेदार मुझे दिवाली देंगे, लगता है आपके रिश्तेदार आए हैं मम्मी। फिर तो पक्का तेरी नानी होगी। अमेजिंग। चल मम्मी, इसका क्या करूं? अरे करना क्या है, रसोई में रख दे, दिवाली पे सारे पड़ोसियों को सोन पापड़ी देंगे, जा रख के आ जा। रंजू, रंजू। अरे आ गई मम्मी। अरे बाहर क्यों खड़े हो गए मम्मी, अंदर आ जाओ ना। बस मैंने तो जाना है। अरे कहाँ जाना है मम्मी? दिवाली के बेटा डब्बे बांटने हैं मैंने। लो अपने डब्बे सोन पापड़ी के। सोन पापड़ी के डिब्बे रख, मैं तो सारे यही मल्ले में सोन पापड़ी बांटूंगी, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, रख। मैं चलती हूँ। ला मम्मी, अंदर रख देती हूँ। अरे इस बार मम्मी को क्या हो गया, वो भी सोन पापड़ी उठा के ले आए। भाभी। अरे अंजलि, क्या बात, दिवाली की शॉपिंग कर रही है? नहीं नहीं भाभी, दिवाली में तो अब 2 दिन ही रह गए, शॉपिंग तो सारी होगी, मैं तो मिठाई बांट रही हूँ। मिठाई? अरे किस चीज के डिब्बे बांट रही है? और क्या भाभी, दिवाली पे तो सोन पापड़ी चलती है, और एक के साथ ना एक डिब्बा फ्री मिल रहा था, सोन पापड़ी लेके आई हूँ। क्या? चल फिर मम्मी को दे सोन पापड़ी।
मम्मी। आजा अंजलि। और कैसी है अंजलि तू? मम्मी आपने क्यों रोने जैसा मुंह बना रखा है? और भाभी भाभी हंसते ही जा रहे हैं, क्या बात क्या है? बात क्या होनी है, ज्योति ये सारे मायके वाले सोन पापड़ी लेके आ रहे हैं और अब तेरी नानी भी और अब और अब मैं भी। ये क्या है, तुझे कोई मिठाई नहीं और मिली? मम्मी सोन पापड़ी है। तू क्यों हंसती जा रही है? जा एक जग चाय बना, जग चाय का बना के ला। मम्मी एक जग चाय का क्या करोगे आप? इसे खिलाऊंगी सोन पापड़ी, पहले ही 22 डिब्बे हो चुके हैं, अब ये 24 डिब्बे ये नहीं मैं रखूंगी। मम्मी मम्मी क्या लेके आ जाए? अरे तू तो शर्म कर लेती, तू तो कोई और मिठाई लेके आती। खोल जल्दी खोल, ये 2 डिब्बे तो तुझे ना खिलाए ना तब देखना। अरे इससे अच्छी तो मिठाई नहीं होती कोई, मैं तो खुद हर दिवाली के ऊपर सोन पापड़ी बांटा करूंगी। असल च ना बहुत सारे लोग सोन पापड़ी का मजाक उड़ाते हैं, परंतु मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था सोन पापड़ी का मजाक उड़ाने का। मैं तो बस आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारी भारत की बहुत ही अच्छी मिठाई है, ना तो ये जल्दी जल्दी ख़राब होती है और इसे खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो आप सभी भी दिवाली के ऊपर सोन पापड़ी बांटिए और इंजॉय कीजिए। बाय मनचंदा फैमिली ब्लॉग, और अंजलि मनचंदा को फॉलो जरूर कर लेना।